आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। आफ्टर गिविंग अप अराउंड 30% रिटर्न विद इन मैक्सिमम 5 डेज, अगेन दिस स्टॉक इज डाउन बाय अराउंड 9%, 6-8%। ओवरऑल इस स्टॉक में ही डाउन ट्रेंड नहीं, ओवरऑल जो पावर इंडेक्स है वो आज टैंक होते हुए दिखा है, जहां अडानी ट्रांसमिशन देखेंगे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। अडानी पावर भी 2% की गिरावट में गिर रही है, तो ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी है और ये एज एक्सपेक्टेड था ही। 10.50 रुपया का एक मेजर रेजिस्टेंस है सुजलोन एनर्जी के लिए, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आपको इस स्टॉक में श्योरली देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें, नहीं है तो श्योरली बाइंग कर सकते हैं। साथ में एक दूसरा स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूंगा वो स्टॉक है मिस्थान फूड। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि एक्स डेट कल का ही था और इस स्टॉक में 1:1 का बोनस दिख रहा है, और पर्सनली मुझे फील कर रहा है कि एक मल्टी बैगर है और इजीली ये स्टॉक यहां से 5 टाइम्स यानी 50-60 तक का टारगेट दिखा सकता है। फंडामेंटली इस स्टॉक को देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग अराउंड 50% के आसपास की है और पब्लिक की 50% है, और कंटिन्यूस ये स्टॉक के बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंटिन्यूस क्वार्टर इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है, जहां रिजर्व में ड्रास्टली अपट्रेंड देखने को मिला है, और देखेंगे तो जो डेट कहे या बोरोइंग जिसको आप कहते हैं वो भी धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, सेल्स काफी बढ़ते हुए दिखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगभग 5 टाइम्स का उछाल देखने को मिला है अगर ईयर बेसिस पे देखे तो पर्सनली मुझे मानना है कि आप चाहें तो मिष्ठान फूड में भी आप होल्डिंग ले सकते हैं। अगर नहीं लिए हैं, अगर ऑलरेडी होल्डेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें, और प्रीमियम बासमती चावल के प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है, टोटल रेवेन्यू इंडियन मार्केट से ही आता है, तो 33% रेवेन्यू जो साउथ इंडियन मार्केट से है, और बासमती चावल का मैंने कहा ही कि एक्सपोर्टर और जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यानी खरीदना और बेचने का काम करती है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप चाहें तो मिष्ठान फूड में